What's going on guys, RG here, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाइंड अप है। एंड आज वाली जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एल्विश यादव वेनम केस के ऊपर ठगेश का रिएक्शन। तो गाइज देख लेते हैं, देखा कितना जोर लगा के बोला भाई तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते, क्या यार क्या फ़ायदा ज़िंदगी जीने का, क्या मज़ा है ज़िंदगी जीने में ऐसे। Let's see, like करो, share करो, subscribe करो, we'll see in another video guys। उन्होंने सीधा बोला कि कर्मा। अबे ये कास्ट शुरू हो गया। स्नेक वेनम ड्रामा। उफ, अब डिटेल्स आप सबको मैं क्या ही बताऊं, डिटेल्स आप सबको पता ही होगी इतने दिन से जो चल रहा है। अगर नहीं पता तो आप अपने घर का न्यूज चैनल खोल लो, न्यूज चैनल पे यही चल रहा है। बड़ी खबर, एल्विश ने खुद के बारे में जानकारी दी, उसने लिखा दोस्तों मैं बीमार हूं, आज कोई ब्लॉग नहीं होगा। मीडिया इतना चूतिया है ना, मतलब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और अपने बारे में जानकारियां देता है। ये नई बात उसने अपने बारे में लिखी है, मैं बीमार हूं और आज कोई व्लॉग नहीं डाल। मतलब ये न्यूज थी हमारे देश की, हमारा नेशनल मीडिया इतना घनघोर चूतिया है। कल से दोबारा मस्ती चालू, एल्विश ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है, ये देखिए। अच्छा ठीक है, ये इंस्टाग्राम पर एल्विश की तरफ से जो जानकारी डाली गई है हम आपको। एक काम करो न्यून मैन न्यूज बॉय, हमारा सबका धंधा खा लो, यूट्यूबर्स का अपडेट देना चालू करो। कि इतनी डिटेल में तो यूट्यूब न्यूज वाले अपडेट नहीं देते स्टोरी वगैरह का। एंड यही कारण हमारे ऊपर भी आरोप लग रहे हैं ट्विटर पे कि देखो भी एक्शन लो, हम पे एक्शन ले रहे तो जेठालाल पे भी एक्शन लो, शाहरुख खान पे भी एक्शन लो। पहली बात तो मैं नहीं हूँ, खबरेश हूँ, वो थगेश है उसको देखो। और थगेश भाई भी बाली में गए थे, ओके, जब बाली गए थे तब उन्होंने नॉन वेनम स्नेक उठाया था जिसमें वेनम नहीं होता। बट इसी पे लेजेंड अविनाश सचदेव को पूछा गया कि आपका क्या, ये तो बेवकूफ का बच्चा अलग ही लेवल पे है ख्याल है, तो उन्होंने सीधा बोला कि कर्मा कर्मा ये अविनाश सचदेव अभी तक बिग बॉस के घर के बाहर ही नहीं है ऐसा लग रहा है। देन अगेन उसने डिबेट छेड़ दी कि हम टीवी एक्टर्स तो बेटर है भाई, हम तो बेटर है। अरे किसी ने पूछा तेरे को, पूछा किसी ने? फिर यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी एक्टर्स कर रहे हैं, उससे बोला कि हमारे शो तो लोग अभी भी रिपीट पे देखते हैं। गुड भाई, गुड फॉर यू, हम बहुत रिस्पेक्ट करते। एक मिनट, टीवी के शोज लोग रिपीट पे देखते हैं, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक टीवी चैनल को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि ये शो दोबारा आ रहा है? ये शो टीवी द्वारा चलाए जाते हैं, उस टाइम पे कुछ और नहीं आ रहा, लोग वेले बैठे तो देख रहे हैं, एक सिंपल सी बात है। टीवी एक्टर्स के हम उनको देख के बड़े हुए, लेकिन बहुत कम शोज रिपीट पे देखते हैं, जैसे हमारा लेजेंडरी तारक मेहता हुआ। एंड जो आपका शो रिपीट पे देखते हैं वो शो के लिए देखते हैं, अविनाश भाई आपके लिए नहीं देखते, बता रहा हूँ, मैंने जंग नहीं छेड़ी, आप कर रहे हो। यूट्यूबर्स को कोई देखता है तो यूट्यूबर्स के लिए देखता है। फिर भाई ने ये भी बोला कि हमें ऑडियंस बनाने के लिए हर 5 दिन में। अविनाश को समझाने का कोई फायदा नहीं मेरे भाई, ठगेश रहने दे, बेवकूफ का बच्चा। ब्लॉग नहीं डालना पड़ता, इमोशनल डैमेज, इमोशनल डैमेज। देखो भाई लेकिन आपको एपिसोड तो डालने पड़ते, आप शो के एपिसोड ना आए तो आप कभी बॉलीवुड एक्टर्स की मूवीज ना आए तो अगेन उसमें भी एक्सेप्शन है, सुपरस्टार्स होते हैं, यूट्यूबर्स में भी सुपरस्टार्स होते हैं, टीवी एक्टर्स में भी सुपरस्टार्स होते हैं। एग्जैक्टली, नहीं हम यूट्यूबर्स के सुपरस्टार हैं। मुझे ये डिबेट पहले ही पसंद नहीं, यूट्यूबर्स वैसे टीवी एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत घंटों घंटों काम करते हैं, उनके शोज बड़े बड़े बनाते हैं। एंड बाकी होते हैं आप तो बात करते हैं। देखो आपने टीवी शो छोड़ दिया तो आपको 5 दिन में रिप्लेस है ना, ये भी तो है। अब यूट्यूबर को यूट्यूबर के चैनल से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, अनलेस एंड अंटिल आप लेजेंडरी जेठा लाल हो, ओके, या आप ऐसे कोई एक्टर हो जो शो छोड़ दिया तो शो बंद हो जाएगा। Exactly. तो जाके थोड़ा दिलीप जोशी से सीखो फिर बात करो। तो ये डिबेट तो जिंदगी भर चालू रह सकती है, तो आप जाने दो। बाकी रही बात केस की, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एल्विश यादव ने किया है ये तो पक्का पनिशमेंट मिलना चाहिए, पक्का जेल में डाल देना चाहिए या व्हाटएवर प्रोसीडिंग। लेकिन अगर नहीं किया है और अभी तक ठोस प्रूफ नहीं आया, Exactly. तो ये मीडिया ट्रायल चलाना भी गलत बात है, बिकॉज आई थिंक इतने सारे न्यूज चैनल पे एक ही बंदे पे बार 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 न्यूज लाना गलत बात है, उसका रेपुटेशन खराब हो सकता है। सो आई फील पहले ठोस प्रूफ मिलने का वेट करना चाहिए, उसके बाद ट्रायल चलाना चाहिए। ट्रायल तो चलनी चाहिए अर्जुन कपूर की न्यू मूवी पे, अर्जुन कपूर की मूवी आई थी रिसेंट, 35,000 रुपए कमाया फिल्म ने, मतलब इतना इतनी ज्यादा बिकी है ना मूवी। द लेडी किलर जिसने सारे रिकॉर्ड क्रश कर दिए है, जिन्होंने 38,000 कमाए एक। लगता है कोई ऊपर बैठा सिर्फ मुझ पर नजर काट रहा है। बड़े लोग हैं, हाजिरी ठोक के काम आते हैं।
पर ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं, ये मूवी आधी रिलीज कर दी गई है क्योंकि ओटीटी पे पूरी आएगी। और ये मूवी का एक और चीज बता देता हूँ, लिटरली ट्रेलर बहुत अच्छा है। 38,000 करोड़ कमाए, 38,000। ये लेडी किलर नहीं, ये प्रोड्यूसर किलर है। प्रोड्यूसर अपने आप को मार देगा ये नंबर देख के कि गए पैसे। Exactly. टाइम है बीमारी का बहाना देके एक्टिंग बंद कर दो। नहीं हो सच्ची बोल रहा हूँ, एक्टिंग करने की एक्टिंग कब तक करने का देखो। मेरे को नहीं पता मूवी कैसी है, लेकिन इस मूवी में भूमि पेडनेकर भी है, मतलब बेस्ट पार्ट वही है मूवी का। Okay. पर सच में एक क्वेश्चन है मेरा, धनराशि का कीजिएगा क्या? अभी टाइगर 3 रिलीज होने वाली है, उसमें पॉपकॉर्न वाले एक दिन में इससे ज्यादा कमा लेंगे। 8,000 भाई क्यों ही बना रहे हो, डायरेक्ट ओटीटी बना दो। ये गंदा वाला था, पता है ये गंदा वाला था। और बाकी एक थिएटर का पॉपकॉर्न वाला एक दिन में उससे ज्यादा कमा लेगा। तो है कचरा पेटी, ओटीटी नहीं है वो, कचरा पेटी है, डालो उसमें फ्लॉप मूवीज। एक दिन ऐसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार साला बंद हो जाएगा फ्लॉप मूवीज खरीद खरीद के। एक तो मेरे को समझ नहीं रहा अर्जुन भाई की मूवी की मार्केटिंग कोई क्यों नहीं कर रहा है, कितने पता ही नहीं चलता है इनकी मूवीज कब आ रही है कब जा रही है। कुछ नहीं तो जाओ रिलर लोग के साथ नाच लो, 2 टिकट तो बिक जाएगी। 8,000 भी किसने देखा है भाई, किसको पता था मूवी आने वाली है? या फिर सिर्फ कॉर्नर सीट खाली देख के समझ रहा। लेडी किलर कॉर्नर सीट पे सारे लेडी किलर आए थे, पर सच में कब आती है कब जाती है मूवीज मालूम ही नहीं पड़ता। इससे ज्यादा हाइप तो कॉफी विद करण का रहता है, जबकि वो लेडी किलर नहीं है, लेडी का करियर किलर है। एनीवेज पैसे का स्कैम हो गया प्रोड्यूसर के, बट ऑनलाइन स्कैम्स तो बहुत होते हैं आपको पता है। तो ऐसे डेटिंग ऐप से बहुत सारे स्कैम्स होने लगे आजकल। एक लड़की जो कि पीएचडी थी, उसको डेटिंग साइट पे एक लड़का मिला जो कि अपने आप को डॉक्टर बोल रहा था। Okay. तो उन्होंने म्यूचुअली फिर डिसाइड किया एयरपोर्ट पे मिलने का। वो लड़का आया एयरपोर्ट पे, लड़की भी आई एयरपोर्ट पे, लेकिन आते ही लड़के ने बोला कि अभी उसको थोड़ा सा क्या है, थोड़े पैसे की कमी हो रही है, 1,00,000 रुपए की कमी हो रही है, अभी अर्जेंट किसी को पे करना है। तो लड़की ने दिए, फिर आप समझ जाओ। ओ तेरी मुन्ना भाई, MBBS का सीक्वल किसने निकाला अभी कुछ? अबे यार 1,00,000 रुपए दे दिए पहली मीटिंग में, कतई कमाल लोग हैं यार। चलो खैर छोड़ो, उस बारे में बोलना नहीं चाहिए। बाकी तुम पूरी वीडियो जाके ठगेश के चैनल पर देखो, मैंने एलविश वाली वीडियो के लिए चलाया था और अविनाश वाली पे। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, देखो अविनाश का जहाँ तक सीन है उसकी बातों का साले का कोई सिर पैर है नहीं। पहली बात अविनाश का ही कोई सिर पैर है नहीं, अपनी इंडस्ट्री में कोई कुत्ता नहीं पूछता उसको, तो अब ज़्यादा क्या बोलें, चलो छोड़ो। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा कि गाइज र्यूमर्स जो न्यूज़ चैनल वाले फैलाते हैं और फालतू की न्यूज़ देते हैं ना, इनको देखना बंद करो, विच इज़ Highly not recommended। यही बोल सकता हूँ, बाकी मर्जी तुम्हारी है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।